Students, in, in this video, we are going to start mathematics chapter 1 length. In this chapter, we are going to learn units of length and their measurements, conversions, addition and subtraction. So let's start our chapter. Centimeter is used for shorter lengths. मीटर इज़ यूज फॉर लॉन्गर लेंथस और डिस्टेंसेज लेंथ इन सेंटीमीटर्स इज मेजर्ड बाई यूजिंग अ स्केल और रूलर जो सेंटीमीटर होता है हम उसको छोटी चीज़ नापने के लिए यूज़ करते हैं जो मीटर होता है हम उसको बड़ी चीज़ नापने के लिए यूज कर यूज़ करते हैं या फिर डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ करते हैं और जो सेंटीमीटर सेंटीमीटर होता है हम उसको स्केल से नाप सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ सेंटीमीटर्स किटी द कैट एंड मिक्की द मंकी आर लर्निंग हाउ टू मेजर लेट्स लुक कैट वॉट दे हैव फाउंड इसमें एक जो कैट है किटी और मंकी है मिक्की वो दोनों मेजर कर रहे हैं देखते हैं उन्होंने क्या चीज़ कैसे मेजर करी है किटी आई हैव ब्रॉट अ रिबन फॉर यू कम लेट मी टाइट अराउंड योर नेक मंकी कहता है कि किटी मैं तुम्हारे लिए एक रिबन लाया हूँ लाओ मैं उसको तुम्हारे गले में बांध दूँ थैंक्स मिक्की श्योर यू कैन टाई इट अराउंड माई नेक थैंक यू मिक्की तुम ये रिबन मेरे गले में बांध सकते हो किटी इफ इट इज़ टू लॉन्ग फॉर यू आई हैव ब्रॉट आर रिबन थ्री हैंड स्पेंस लॉन्ग जस्ट एज यू आग्ड किटी क्या ये रिबन तुम्हारे लिए बड़ा नहीं है ये तो मेरे हाथ का मेरे हाथ के तीन बराबर की लंबाई है जैसा तुमने कहा था हाउ कुड दिस हैपन लेट मी मेजर द रिबन ये कैसे हो सकता है रुको मैं मेजर करती हूँ सी इट इज़ फाइव हैंड स्पेंस देखो मंकी ये तो मेरे हाथ का पाँच बराबर है लुक किटी योर हैंड इज स्मॉलर देन माइन सो द सेम रेवन मेजर्स थ्री हैंड स्पेंस विद माई हैंड एंड फाइव हैंड स्पेंस विद योर हैंड मेजरिंग विद हैंड स्पेन इज़ नॉट स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ मेजरमेंट डिफरेंस देखो किटी तुम्हारा हाथ छोटा है मेरा हाथ बड़ा है तो मेरे हाथ के लिए ये तीन हैंड स्पेंस हैं और तुम्हारे हाथ के हिसाब से ये फाइव हैंड स्पेंस हैं तो ये मेजरमेंट करने का सही तरीका नहीं है क्योंकि ये सबके हिसाब से अलग अलग होगा देन वॉट आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट तो फिर मेजरमेंट करने की यूनिट क्या होती है वी यूज मीटरिक मेजर्स एज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हमें मीटर का यूज़ करना चाहिए मेजरमेंट करने के लिए लुक आई हैव गोट अ स्केल दिस विल हेल्प अस मेजर द रिबन देखो मेरे को एक स्केल मिली है हम इसकी हेल्प से रिबन को मेजर कर सकते हैं ऑन सेंटीमीटर स्केल द स्मॉल मार्क्स आर कॉल्ड मिलीमीटर्स एंड द बिगर मार्क्स आर कॉल्ड सेंटीमीटर्स जो स्केल होती है उसमें जो स्मॉल मार्क होते हैं हम उनको मिलीमीटर कहते हैं और जो बड़े बड़े लंबे लंबे मार्क होते हैं जिन पर जीरो वन टू थ्री फोर लिखा होता है हम उसको सेंटीमीटर कहते हैं पुट वन एंड ऑफ द रिबन ऑन जीरो द नंबर वेयर द अदर एंड ऑफ द रिबन एंड इज़ द लेंथ ऑफ द रिबन इन सेंटीमीटर्स सो द लेंथ ऑफ द रिबन इज सिक्स सेंटीमीटर तो हम एक काम करते हैं कि जो रिबन का एक साइड है उसको हम ज़ीरो पे रखते हैं और जब वो दूसरी साइड जहाँ ख़त्म होगी वो हमारी उतना उतना बड़ा हमारा रिबन होगा देखो ये सिक्स सेंटीमीटर्स का है सेंटीमीटर्स कैन बी रिटर्न है सेंटीमीटर इन शॉर्ट मिलीमीटर कैन बी रिटर्न हैज एम इन शॉर्ट सेंटीमीटर को हम सी लिख सकते हैं मिलीमीटर को हम एम mm एम लिख सकते हैं सो वी कैन मेजर लेंथ ऑफ ए पेन पेंसिल बेल्ट ब्रश एट्सटर यूजिंग ए स्केल अब हम पेन पेंसिल बेल्ट सबको मेजर कर सकते हैं स्केल की हेल्प से स्मॉल मार्किंग मार्किंग्स इन लेंथ इन एम एम बिगर मार्किंग इन सेंटीमीटर अब इसमें जो स्मॉल मार्किंग है हम उसको एम mm एम लिख सकते हैं और जो बड़ी मार्किंग है हम उसको सेंटीमीटर लिख सकते हैं अब जो एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर mm होते हैं एक सेंटीमीटर में टेन मिलीमीटर mm होते हैं ना हाउ विल यू मेजर द लेंथ ऑफ ए स्विमिंग पूल अब हम स्विमिंग पूल की लेंथ कैसे मेजर करेंगे इफ़ यू ट्राई टू मेजर इट विद द स्केल दैट हैज सेंटीमीटर मार्क्स इट विल भी वेरी डिफिकल्ट अगर हम स्विमिंग पूल को स्केल से मेजर करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मिक्की इट्स रेटेड दैट द लेंथ ऑफ द पुल इज सिक्स सिक्स मीटर वाट इज मीटर मिक्की देखो पूल की जो लेंथ लिखी है वो सिक्स मीटर लिखी है अभी मीटर क्या होता है कि टी एम इज़ द शॉर्ट फॉर्म मीटर जो एम होता है हम उसको मीटर कहते हैं वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होता है लॉन्गर डिस्टेंस को लॉन्गर डिस्टेंस और लेंथस आर मेजर्ड इन मीटर सच एज द लेंथ ऑफ ए स्विमिंग पूल एंड दाइट ऑफ ए बिल्डिंग अब जो लॉन्गर डिस्टेंस होते हैं उनको हम मीटर में मेजर करते हैं जैसे हाइट भी होती है बिल्डिंग की हम उसको भी मीटर में मेजर कर सकते हैं वी कैन नॉट मेजर दिज लेंथस विद अ स्किल वी यूजिंग अ मेजरिंग टिप फॉर देम अब हम जो मीटर को मेजर करते हैं वो हम स्किल से नहीं करते उसके लिए हमें आ, उसके लिए हमें मेजरिंग टेप की जरूरत होती है क्योंकि एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं और स्केल में तो सिर्फ फिफ्टीन सेंटीमीटर होता है द स्मॉलर मार्किंग गिव्स लेंथ इन एम एम द मार्किंग्स बिगर देन दी गिव्स लेंथ इन सेंटीमीटर एंड एट हंड्रेड सेंटीमीटर द लार्जेस्ट मार्किंग इन रेड करस्पेंड्स टू वन मीटर अब इसमें जो स्मॉल मार्किंग्स होती हैं वो एम mm एम होती हैं बड़ी मार्किंग सेंटीमीटर होती है और जब हंड्रेड सेंटीमीटर पर हम आते हैं तो वहाँ पे एक रेड मार्क होता है जिसको हम मीटर कहते हैं इवन मोर आर मेजर्ड इन किलोमीटर इट इज रिटर्न एज किलोमीटर इन शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज और लेंथ ऑफ रिवर इज मेजर्ड इन किलोमीटर अब हम अगर किसी सिटीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम उसको मीटर में नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको किलोमीटर में करते हैं एक वन किलोमीटर में थाउजेंड मीटर होते हैं वन किलोमीटर में थाउजेंड मीटर होते हैं वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं और हन वन सेंटीमीटर में टेन मिलीमीटर mm होते हैं अगर हम अब हम देखते हैं टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई मीटर बाय हंड्रेड और राइट टू जीरो टू द राइट ऑफ द मेजर इन मीटर्स मीटर इंटू सेंटीमीटर अब मीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे जैसे कन्वर्ट थ्री मीटर इन्टू सेंटीमीटर थ्री मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वन मीटर कितना होता है हंड्रेड सेंटीमीटर तो थ्री थ्री का मल्टीप्लाई हम हंड्रेड से कर देंगे तो थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर आ जाएगा तो थ्री मीटर में थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर होता है जॉन मेजर्ड द लेंथ ऑफ टेबल इन इज रूम टू बी फोर मीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर वॉट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर अब हम जो जॉन है उसके कमरे की लंबाई फोर मीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है हम उसको टोटल हमारी जो लंबाई निकाली है हमें सेंटीमीटर में निकालनी है अब फोर मीटर को पहले हमें सेंटीमीटर में करना पड़ेगा तो फोर मल्टीप्लाई हंड्रेड और जो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है वो तो सेंटीमीटर में दिया तो प्लस कर देंगे ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो फोर हंड्रेड सेंटीमीटर प्लस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इक्वल टू फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो ये जोन के कमरे की लंबाई टेबल की लंबाई हो गई सेंटीमीटर्स इंटू मीटर्स लेट अस कन्वर्ट फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर इन्टू मीटर अब अगर हम फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे निकला निकालेंगे हम जानते हैं कि वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होता है ठीक है अब जब आ, वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होता है तो आ, जो फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर है उसको हम फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड या फिर वन मल फाइव मल्टीप्लाई वन कर दें तो फाइव मीटर निकल आएगा द किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं अब जैसे हमें द डिस्टेंस बिटवीन आनाज हाउस एंड अनाज हाउस इज़ एट मीटर वॉट एट किलोमीटर वॉट विल बी द डिस्टेंस इन मीटर अब आहाना के हाउस और अना के हाउस में एट किलोमीटर के डिस्टेंस है अब हमें इसको मीटर में निकालना है तो वन किलोमीटर को थाउजेंड मीटर होता है ये हम जानते हैं तो एट किलोमीटर में कितने मीटर होंगे तो हमें एट किलोमीटर को थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर निकलाएगा तो अना आहाना और अना के हाउस का डिस्टेंस कितना हुआ है एट थाउजेंड मीटर एडिंग एंड सब्ट लेंथस टू फैब्रिक ऑफ लेंथ थ्री मीटर एंड फाइव मीटर आर टू भी ज्वाइंट आफ्टर ज्वाइनिंग वट विल भी देर टोटल लेंथ अब हमारे पास एक फेब्रिक है एक फेब्रिक है थ्री मीटर का दूसरा फैब्रिक है फाइव मीटर का अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना मीटर होगा तो अगर हमें इसमें प्लस करना है तो थ्री मीटर प्लस फाइव मीटर इजिकल टू एट मीटर क्योंकि थ्री प्लस फाइव कितना होता है एट ना सपोज द फैब्रिक मेजर टू मीटर फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड थ्री मीटर ट्वेल्व सेंटीमीटर हाउ विल बी एट देंथ तो हम मीटर एक साइड मीटर लिखेंगे एक साइड सेंटीमीटर लिखेंगे हमारे पास दो फैब्रिक हैं तो जो मीटर के नीचे टू मीटर दिया है तो पहले टू लिखेंगे सेंटीमीटर दिया है फिफ्टीन तो वहाँ फिफ्टीन लिखेंगे ऐसे ही नीचे थ्री मीटर और ट्वेल्व सेंटीमीटर जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो फाइव मीटर ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर आएगा जस्ट ट्रैवल ट्वेल्व किलोमीटर रीच द पिकनिक स्पॉट एंड हारमनी ट्रैवल सेवन किलोमीटर हाउ मेक्स मोर देन हारमनी डेड जज ट्रैवल अब ज जज ट्रैवल करता है ट्वेल्व किलोमीटर पिकनिक स्पॉट पर पहुँचने के लिए हारमनी ट्रेवल करती सेवन किलोमीटर तो हारमनी ने जज से कितना कम ट्रैवल किया जी हमें निकालना है तो कितना कम किया तो हमें माइनस करना पड़ेगा जा अगर ज़्यादा पता करना होता तो हम प्लस करते तो हम दोनों को जब माइनस करेंगे तो ट्वेल्व किलोमीटर में से सेवन किलोमीटर माइनस करेंगे तो फाइव मीट फाइव किलोमीटर निकल आएगा तो ये हमारा सिंपल सब्ट्रैक्शन हुआ कि जो हारमोनी है उसने फाइव किलोमीटर कम ट्रैवल किया दिस इज सिंपल सपोज वी वांट टू सब्ट्रैक्ट ट्वेल्व मीटर थर्टी टू सेंटीमीटर फ्रॉम ट्वेंटी नाइन मीटर फिफ्टी फोर सेंटीमीटर वी विल राइट द नंबर्स इन द कॉलम फॉर्म अगर हमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिया हो तो हम कैसे करेंगे माइनस तो पहले हम मीटर का कॉलम बनाएंगे फिर सेंटीमीटर का कॉलम बनाएंगे तो जो मीटर के कॉलम में जितनी वैल्यू दी है वो लिखेंगे फिर जो सेंटीमीटर के कॉलम में वैल्यू दी है वो लिखेंगे तो ट्वेंटी नाइन मीटर फिफ्टी फोर सेंटीमीटर और ट्वेल्व मीटर थर्टी टू सेंटीमीटर जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा सेवनटीन मीटर ट्वेंटी टू सेंटीमीटर सो दिस इज योर चैप्टर स्टूडेंट्स यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम एंड द एक्सरसाइजिस ऑफ दिस चैप्टर यू हैव टू डू in the homework